नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एची ऑन गेमिंग में। तो जीटी 3 के लास्ट वाले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा ही था कि हम जाते हैं उस कैंजी के पास, यानी कि उस टकले के पास, और वो जो टकला है वो हमेशा की तरह खिसियाया हुआ रहता है। तो वो जो है हमसे बोलता है जितने की लिबर्टी सिटी में जितने भी यार्डीज हैं वो जो है यहाँ पे स्ट्रीट में ड्रग्स वगैरह जो है बेचने में लगे हुए हैं, तो हमें जो है सबको यहाँ पे अपनी गाड़ी से जो है उड़ा देना है हवा में। तो हम जाते हैं कि करके सारे के सारे जितने भी यार्डीज होते हैं सबको यहाँ पे हवा में उड़ा देते हैं, और 2-3 यार्डीज को हम एक्स्ट्रा उड़ा देते हैं और उसके बदले में हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देते है जो अपना टकलू है यानी कि जो कैंजी है वो। तो आज से जो है हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यहां पर देख सकते हैं, अभी जो है मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूं और अभी ना मेरे साथ थोड़ी देर में जो शाम है वो यहां पे हो जाएगी। तो इसी के चक्कर में यहां पर मैं सबसे पहले तो यहां पे मिलने के लिए चल लेता हूं रे से। अगर आपको रे के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रे है ना वो एक तरीके का स्पाई है जो कि काफी पहले जो है आशुका के लिए जो है काम करता था, बट यहां पे जो है अभी वो आशुका के लिए काम नहीं करता है क्योंकि जो आशुका है वो तो यहां पर हमें काम नहीं देती है। ऊपर से मेरी जो गाड़ी है ये भी यहाँ पर जल गई। अच्छा हुआ मैंने गाड़ी से जल्दी जल्दी उतर आया। अब यहाँ पर सारे के सारे जो बंदे हैं ये मुझे मारने लगेंगे, तो मुझे फटाफट से गाड़ी में बैठ जाना होगा। लिमोजीन में तो नहीं बैठने वाला मैं, एक काम करता हूँ इसकी जो जीप है ना इन आंटी जी की, इनको यहाँ पर उठा के मतलब इनको इस गाड़ी में से हटा के यहाँ पर चल लेता हूँ फटाफट से रे के पास। और जो रे है वो तो लास्ट टाइम जो है मुझे मिला हुआ था एक वॉशरूम के अंदर जो कि एक पार्क में था, तो आज भी जो है वो मुझे वॉशरूम के अंदर ही मिलने वाला है। और आप सभी को तो पता ही है कि लिबर्टी सिटी इतनी ज़्यादा छोटी है ना कि यहाँ पर जो वॉशरूम है वो तो हल्के हाल जो है मिल जाते हैं, बट यहाँ पर जो अपना वॉशरूम है ना पार्क वाला वो यहाँ पे आगे की तरफ ही है। किधर क्या यही तो था ना लास्ट टाइम, एक सेकेंड, वो ना मेरे हिसाब से उस साइड में लग रहा है मुझे, किस साइड में है, एक सेकेंड ये रहा। बढ़िया, अभी फटाफट से जाके इस पुलिस ऑफिसर से जो है जाके मैं मिल लेता हूँ। और यहाँ पर ना एक टाइप का पुलिस ऑफिसर नहीं है, मतलब ये जो है गैंगस्टर्स के लिए काम करता है, ये तो ये एक टाइप का स्पाय हुआ। जितनी भी जानकारी है खुफिया जो भी पुलिस वाले रखते हैं वो सबको बता देता है, मतलब जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनको बता देता है। तो फटाफट से इसके पास जो है मिलने के लिए जो है चल लेता हूँ, मेरे हिसाब से कोई नया काम तो ज़रूर देगा। He took more bribes than anyone. He thinks he's going to get an honorable discharge if he turns state evidence. He just squealed. He's under armed protection in Woodset property down in Newport, some apartment behind a car park. Toss that place. That's it. Flush him out when you hunt him down. Make sure he never talks to nobody. एक सेकेंड, अभी ये जो अपना बुड्ढा है ना ये यहाँ पर चाहता है कि यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है मैकेफ्री है और उसको यहाँ पर जो है हमें जाके उड़ा देना है, जो कि यहाँ पर न्यूपोर्ट के आसपास ही जो है रहता है, मतलब एक पार्क के पीछे। तो अभी जो है मुझे उसके घर पर जाकर उसको उड़ा देना होगा, बट उससे पहले उसको उड़ाने के लिए ना सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास गन वगैरह तो बराबर है ना। एक सेकंड, ये तो मेरे पास यूज़ी है और यहाँ पर मेरे पास पिस्टल वगैरह सारी की सारी चीज़ें हैं, तो अभी ना उसको जो है मुझे उड़ाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो फटाफट से इसको यहाँ पर उड़ाने के लिए चल लेता हूँ। इसको ना मैं हवा में तो नहीं उड़ा सकता क्योंकि ना ये अपने घर के अंदर बैठा होगा, इसी चक्कर में सबसे पहले मुझे इस घर के ना मतलब जिस घर में अभी रह रहा है उस घर को यहाँ पर आग वगैरह जलानी पड़ेगी। अब मेरे पास ना फ्लेम थ्रोअर वगैरह नहीं है, मतलब जिससे कि आग वगैरह निकलती है, एक टाइप का वेपन होता है वो, अभी वो तो मेरे पास है नहीं है। तो मेरे हिसाब से मुझे जो ग्रेनेड वगैरह है उसको यहाँ पे उड़ाना होगा। एक सेकेंड, यहाँ पर जो सेल्वाटोर के बंदे हैं ये मुझे ना जहाँ देखो जहाँ वहाँ ना पेलने लगता है फिलहाल के लिए, तो यहाँ पर एक सेकेंड यही घर लग रहा है मुझे। ऑल राइट, और यहाँ पर वो ऊपर की तरफ है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ इसके घर के अंदर ना मैं वो डाल देता हूँ, बट उससे पहले तो ये निकलेगा कहाँ से? मेरे हिसाब से ये इसका गेट है, तो हो सकता है ये अपने गेट से ही निकले, बट ये जो गेट है ये मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है। मेरे हिसाब से मुझे क्या लग रहा है कि ये ऑफिस है क्योंकि इतना छोटा अंदर की तरफ से गेट नहीं होता, बाहर की तरफ से तो काफ़ी बड़ा बना दिया है। तो अपनी जो गाड़ी है इसको यहाँ पर खड़ी कर देता हूँ। अभी पीछे की तरफ जा के ना इसके अंदर मैं काफ़ी सारे जो ग्रेनेड वगैरह ना ये यहाँ पर डाल दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो उसने मुझसे कहा है कि मैं जो है उसको यहाँ पे इसकी बिल्डिंग को जला सकता हूँ। मेरे हिसाब से मुझे ना यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर जो है चला देना चाहिए, तो सीधा जो रॉकेट लॉन्चर है वो उसके घर के अंदर जाएगा और फिर देखना होगा कि यहाँ पे क्या होता है। ऑल राइट, तो 1-2 एंड यहाँ पे इसको मैं उड़ा देता हूँ। 3 सीधा घर के अंदर के, और यहाँ पे जो आग है वो तो जल चुकी है। फटाफट एक सेकंड, ये गाड़ी भी निकाल रहा है, इसको भी उड़ा देता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पर कितना आसान काम दिया था इसने मुझे, बट यहाँ पर मेरे ऊपर पुलिस लग चुकी है, तो मुझे फटाफट से यहाँ से भागना होगा। बाहर की तरफ जो है सेल्वाटोर के बंदे खड़े हुए हैं, अब भागने के लिए मुझे सबसे पहले तो गाड़ी को यहाँ पर चलाना होगा। ये गाड़ी रोक अपनी, एक स्कीना जो मैं गाड़ी है ये यहाँ पर ले लेता हूँ, अपने घर के अंदर चल लेता हूँ। मतलब मेरा जो घर है ना लिबर्टी सिटी में ही आगे की तरफ, उस घर में मैं अगर जाके बैठ जाऊँगा तो जो पुलिस वाले हैं वो भी यहाँ पर मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। एक सेकंड, यहाँ से रास्ता नहीं है, यहाँ पर तो गैरेज है। एक सेकंड, मैं पुलिस से इतना क्यों भाग रहा हूँ? ऊपर की तरफ तो ना एक स्प्रे की दुकान थी, तो मैं काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना एक बार पेंट करा लेता हूँ जिससे कि जो पुलिस है वो मुझे पहचान नहीं पाएगी, और हर बार की तरह मैं जो है पुलिस को यहाँ पर बेवकूफ़ बना दूंगा।
ऑल राइट। तो ये जो जगह है ना, आप सभी को तो याद ही होगा, जी टी 3 के काफ़ी सारे लास्ट वाले एपिसोड इतने सारे हैं ना कि यहाँ पर इस जगह का काम जो है बहुत बार आया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी वगैरह भी दी हुई है मैंने इस वाली जगह से अपने कैची के लिए, यानी कि अपने टकलू के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा खिसियाया हुआ रहता है हमेशा की तरह। ऑल राइट, तो यहाँ पर मेरे ऊपर से जो स्टार्स हैं वो तो यहाँ पर हट चुके हैं और यहाँ पर अभी मेरे ऊपर पुलिस वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मैंने रे का काम बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही अच्छी तरीके से जो है कर दिया है। तो अगर आपको ये जो GT 3 का एपिसोड है ये पसंद आया हो तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिए। और मैं आपको मिलता हूँ GT 3 के नेक्स्ट वाले एपिसोड में ऐसे किसी बढ़िया सी वीडियो के साथ। बट उससे पहले आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा, क्या यहाँ पे अपन को जो कैंजी है यानी कि जो टकलू है वो आगे चल के काम देगा या फिर नहीं देगा, इसके बारे में जरूर से आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसे किसी बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा।